समाजसेवी संस्था मातत्व के द्वारा जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अलग अलग क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते आज बलहरी क्षेत्र के रहवासी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। मातत्व संस्था के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि जब से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हुआ है तब से जरूरतमंदों की मदद व सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है। ये हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं बलहरी क्षेत्र में। हमारी संस्था है जिसका नाम है मातृत्व। हमारी संस्था जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अभी तक सबसे पहले हम लोगों ने रोटियों का कलेक्शन शुरू करा है। तो गौरीघाट क्षेत्र में, बलहरी क्षेत्र में हम लोग भोजन दान कर रहे हैं। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, वहाँ तक हमारा खाना जा रहा है, जिसमें बलहरी वासियों का बहुत बड़ा हमें सहयोग मिला है। इसके अलावा हम लोग सैनिटाइजेशन भी कर रहे हैं। हर हफ्ते में एक बार हम लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बलहरी, तिलहरी, चौथमील ये वाला एरिया आता है जहाँ पे हमारा भोजन वितरण हो रहा है। ग्वारीघाट क्षेत्र में वहाँ पे भी हफ्ते में एक बार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग कुछ महिलाओं में जागरूकता के कार्यक्रम भी चला रहे हैं, जिसमें उनको स्वास्थ्य के बारे में बताना, कोरोना के बारे में बताना, उनको नियमित हाथ धोना, सैनिटाइजेशन क्या होता है ये सब बताना, ये सारे काम संस्था की ओर से निरंतर रूप से अभी चल रहे हैं।